Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. In today's video, we will cover Class 7, Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. This is part 1 video of this chapter. Please watch all the videos so that you understand all the concepts from this chapter clearly. So, keep learning, explore, and score good marks. Now, let's get started. तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं जनरली हम ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड आर चैप्टर्स नेम इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट्स एंड इसमें हम ह्यूमन बींग्स का भी समझेंगे सो दिस इज बेसिकली सप्लाइंग फूड थ्रू आउट द बॉडी एंड रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ये ही हमने इस चैप्टर में समझना है नाउ कमिंग टू आय फर्स्ट क्वेश्चन वट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट Now, transport is a life process in which substance absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to all other parts of its body. So biology may transport ka biology? Transport ka matlab hai, to carry things from one place to another. Now living things they need nutrients and oxygen to carry out various life processes. लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया जो भी चीजें आपको लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, जरूरत है जिनकी और इसी तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू दीज वेरियस फंक्शन इन साइड द बॉडी दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड रिमूव सो दैट मीन्स हमारी बॉडी में कुछ सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर

तो हमारी बॉडी में ये सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है सो दैट इज ब्लड ब्लड आपका जो खून है वो एक टिश्यू है जो ये काम करता है सो दैट मीन्स ब्लड ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड अब हमने इसमें यह समझना है कि कौन से सब्सटेंसेस हमारा ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वाटर ऑक्सीजन हार्मोन्स कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजीनियस वेस्ट ये सारी चीज़ें जो आपका फूड आपने खाया पानी पिया इनहेल करा ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड बना वेस्ट भी एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ले जाने का काम ब्लड करता है ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन एक हिस्से से हमारी बॉडी के दूसरे हिस्से में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सर्क्यूलेट्री सिस्टम नाउ द सर्क्यूलेट्री सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट सप्लाइज

रेस्पिरेशन के लिए हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम करेक्ट नाउ हमने इसमें क्या देखा कि द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट इसको आप ऐसे समझो कि जैसे अगर आपने कहीं से कुछ सामान मंगाना है तो आपने कहीं से मिंत्रा से मंगाया बिग बास्केट से मंगाया एमेजन जोमैटो कहीं से भी आपने कुछ सामान मंगाया तो हमारी बॉडी में जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ये समझो इस एमेज़ोन जैसा काम करता है अब इन अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा या कोई भी ऐसी ने क्या रखा हुआ है अब ये कंपनीज हैं इन कंपनीज ने एम्प्लॉयज हायर करे हैं काम करने के लिए तो ये जो ब्लड ब्लड वेसल्स और हार्ट है ये एक तरह से डिलीवरी बॉयज हैं हमारे ब्लड के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ठीक है तो ब्लड ब्लड वेसल्स हार्ट ये जो हमारा एक सिस्टम हुआ ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ इसका काम करने के लिए हमने जो डिलीवरी बॉयज रखे हैं वो हैं ब्लड ब्लड वेसल्स और हार्ट अब ब्लड तो हो गया आपका डिलीवरी बॉय जो हर चीज ट्रांसपोर्ट करता है एक बो, सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट से और दूसरे पार्ट में ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स को आप ऐसे समझो जैसे हमारे घर में पाइप्स होते हैं जिसमें कि वाटर फ्लो करता है उसी तरह से वो पाइप्स जिनमें से ब्लड फ्लो करता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स अब हार्ट हार्ट क्या करता है हार्ट ब्लड को पुश करता है ठीक है इट एक्ट्स लाइक अ पंप जैसे पानी को पुश करने के लिए हम पंप लगाते हैं घर पे वैसे ही हार्ट जो है वो ब्लड को पुश करता है और ये तीनों मिलकर चलाते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन अब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है हमने पहले भी चैप्टर्स जब पढ़े थे अर्लियर चैप्टर्स उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए ब्रिक्स आप ईंटों को जोड़ोगे तो एक वॉल बनेगी उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में क्या है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं एंड दीस सेल्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस एक नहीं बहुत सारे फंक्शंस ये हमारी बॉडी के सेल्स परफॉर्म करते हैं तो आप इन सेल्स को किस चीज की जरूरत पड़ेगी इनको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की वाटर की और ऑक्सीजन की तो हर एक सेल तक ये सब पहुंचाने का काम करता है क्या पड़ा हमने हमारा ब्लड अब इसको समझो जैसे आपने खाना खाया यू नो डाइजेशन कहाँ पे होगा आपके एलिमेंट्री कनाल से अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हुआ एब्जॉर्ब हो गया और उसके बाद क्या हमने पढ़ा था कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से आप हर रोज बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्ब फूड है वो क्या हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के हर एक सेल में सो नाउ यू अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन इज वाई सो इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जो सेल्स को सेल्स को जो ये सब चीज़ें चाहिए वो पहुंचाएगा हमारा ब्लड तो हमारी बॉडी के सेल्स को खाना पहुंचाया जाए और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है इसी तरह से वेन यू ड्रिंक वाटर तो ब्लड पानी को भी हर जगह पहुंचाएगा सो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सेल्स परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस एवरी सेल ऑफ ऑर्गैनिज्म नीड न्यूट्रिय वाटर एंड ऑक्सीजन यही हमने समझा भी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन वेना सेल्स परफॉर्म देअ फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज दीज आर टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब हार्मफुल होते हैं एंडहेंस दे ऑल्सो नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी दस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इज नीडेड to supply required substances and remove the waste products sara kaam transportation se hota hai. so now this explains us why is there a need for transportation okay now the next question is what is blood now blood is a red color fluid which flows in our body through blood vessels which are a network of tubes in होल बॉडी ब्लड क्या है ब्लड रेड कलर का फ्लुइड यानी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है मतलब बह रहा है थ्रू ब्लड वेसल्स यही अभी हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स क्या है वो पाइप है जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है ठीक है अब वेसल्स का मतलब समझ में आ गया कि मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड कंसिस्ट ऑफ फोर कॉम्पोनेंट्स प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स या आर बी सीज व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स ना कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड को देखो आप समझो इस तरह से एक टेबुलर भी बना सकते हो आप कि ब्लड इज मेड अप ऑफ अब लिक्विड्स भी है लिक्विड्स कौन सा है प्लाज्मा द फ्लूड और द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा एंड सेल्स क्या है हमारा सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड और सेल्स के भी तीन तरह के सेल्स हो गए आरबीसी डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट्स अब हमारे ब्लड में क्या क्या है देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्लड क्या है लिक्विड है लेकिन ब्लड में लिक्विड भी है और सॉलिड भी है तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और जो सॉलिड पार्ट होता है वो होते हैं ब्लड सेल्स अब ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं रेड ब्लड सेल्स आर बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स ठीक है cells, cells, तो येलो लिक्विड हो गया प्लाज्मा और उसके बाद इस प्लाज्मा में जो सॉलिड्स हैं जो सेल्स हैं वो हैं आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे अभी आप इसी को याद करो कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड ब्लड के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं फोर कॉम्पोनेट्स हो गए जिसको हमने लिक्विड और सॉलिड में डिवाइड कर दिया लिक्विड हो गया आपका प्लाज्मा जो कि येलो कलर का लिक्विड होता है और जो ब्लड सेल्स हो गए वो आपके हो गए तीन तरह के आरबीसी डब्ल्यू एंड प्लेटलेट्स इसको अगर आपको एक रफ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे भी इसको याद रखो कि जो प्लाज्मा है दैट इज इन द मैक्सिमम इट इज फिफ्टी फाइव परसेंट वी और रेड ब्लड सेल्स होते हैं फोर्टी फाइव परसेंट एंड डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट्स वो बहुत ही कम होते हैं दे आर लेस दैन वन परसेंट दिस इज एक्सट्रा इफ यू जस्ट वॉन्ट टू हैव एक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दट ओके ना इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड अ ब्लड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब्स्टांसेस प्रेजेंट इन एट फर्स्ट इज प्लाज्मा द लिक्विड सबस्टांस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा इट इज पेल येलो इन कलर प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वॉटर सबसे ज्यादा इसमें वाटर की क्वांटिटी है दैट इज नाइन्टी टू परसेंट और उसके साथ साथ सॉल्ट एंड प्रोटीन्स भी है ब्लड सेल्स कीप फ्लोटिंग इन प्लाज्मा प्लाज्मा फेसिलिटेटोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सट थ्रू आउट द बॉडी ठीक है प्लाज्मा भी हमने समझ लिया फ्लूड या लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड पेल येलो कलर का होता है फिफ्टी फाइव परसेंट प्लाज्मा होता है और अब इस प्लाज्मा में पानी भी है सॉल्ट भी है प्रोटीन्स भी है और इस प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं तैरते हैं हमारे ब्लड सेल्स ओके नाउ RBCs RBCs are red in color due to the presence of pigment called hemoglobin the presence of hemoglobin makes blood appear red RBC carry oxygen from lungs to different cells of the body hemoglobin present in blood binds with oxygen and transports oxygen from lungs to all parts of the body आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए है क्योंकि एक स्पेशल पिगमेंट या सबस्टेंस इसमें प्रेजेंट है जो है हीमोग्लोबिन तो हिमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड है नाउ इफ एनी वन आस्क यू अ क्वेश्चन कि आपका ब्लड रेड क्यों है यू नो द आंसर इट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन ना दीज आर बी सीज क्या करते हैं ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं मतलब एक और फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं लंग्स से हमारी बॉडी के हर सेल में ठीक है अब आपने क्या पढ़ा था आरबीसीज हर हीमोग्लोबिन सो इसी वजह से आरबीसीज़ ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है पकड़ लेता है ठीक है और अब अपने साथ अब जहां जहां जाएंगे ऑक्सीजन को वो साथ में लेकर जाएंगे ठीक है तो ये सारा हो गया आपका आर के बारे में नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यू बी सीज डब्ल्यू बी सीज फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस डब्ल्यू बी सीज ऑल्सो मेक्स एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन

and the last is platelets blood platelets are small irregular tiny fragments fragment pieces of special cells formed in the bone marrow these are colorless and help in clotting of blood in a cut or a wound it makes the blood semi-solid blood clot prevent the blood from flowing out of the body due to an injury प्लेटलेट्स कभी जैसे अगर आपको कभी चोट लग गई तो क्या होता है खून आया पर थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो जाता है और वहाँ पे खून जम जाता है मतलब क्या होता है सूख जाता है या वो सेमी सॉलिड सा बन जाता है एक्चुअली होता क्यों है ये दिस इज बिकॉज ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी वजह से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसी वजह से ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है और आप सोचो अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा क्लॉटिंग नहीं होगी क्लॉटिंग नहीं हुई इसका मतलब सेमी सॉलिड नहीं बनेगा हमारा ब्लड और अगर ब्लड सेमी सॉलिड नहीं बना सूखा नहीं फ्लो करना बंद नहीं हुआ तो एक्सेसिव ब्लड लॉस मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और इसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है सो दैट इज ऑल्सो रीजन इसलिए हमने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया नो प्लेटलेट्स नो क्लॉटिंग दैट विल लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड इट मे ऑल्सो कॉज डेथ Now the next question is what are the functions of blood? इसको हम बहुत बार समझ चुके हैं. Functions of blood, it transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. ठीक है, digested food को लेके जाता है. और क्या लेके जाता है? It carries water also to all parts of the body. Oxygen जो कि respiration के लिए जरूरी है, वो भी लेके जाता है from lungs to different cells. और इसी तरह से बित respiration में carbon dioxide waste होता है. एज अ प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आपके रेस्पिरेशन में इट इज टॉक्सिक उसको बॉडी से बाहर निकलना है तो उसको भी डिफरेंट सेल्स से लंग्स तक लाने का काम करता है ब्लड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट मेटीरियल

वेस्ट मटीरियल्स टू द किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी क्योंकि अब अब इतने सारे फंक्शन चल रहे हैं तो बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाता है ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होता है इसलिए इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है इसमें भी क्या काम आएगा हमारा ब्लड अब ब्लड क्या करेगा ब्लड जो है सब बॉडी के हमारी बॉडी के हर एक सेल से ये टॉक्सिक मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको इकट्ठा करेगा एंड बॉडी के एक ऐसे पार्ट में लेके जाएगा कि वहां से ये रिमूव हो जाए ओके नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द बॉडी सेल्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग एस्पिरेशन सो अब ब्लड सेल से ब्लड जो है सेल से इनको इकट्ठा करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा लंग्स तक और उसके बाद आप एक्सहेल करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा दिस ऑल शोज अस दैट ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरीड बाइक स्ट्रक्चर वॉट आर दे तो आपको याद हो गया ना आपकी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स क्या है हमारी ब्लड वेसल्स गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कैरिंग ट्यूब इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ आपके ब्लड वेसल्स ठीक है अब पहले इसको मैं आपको चलो जस्ट फर्स्ट विल रीड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और पाइप थ्रू विच द ब्लड सर्क्यूलेट इन द बॉडी आर ब्लड वेसल्स इट ट्रांस बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी पहले इसके नाम याद रखेंगे आर्टरीज वेंस एंड कैपिलोरीज ओके ब्लड वेसल्स क्या हैं पाइप जैसे हैं ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है और इन पाइप्स के भी थ्री टाइप्स हैं कौन कौन से आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज अब इन तीनों के अंदर ब्लड ही फ्लो कर रहा है पर इन तीनों का फंक्शन डिफरेंट है ठीक है अब आर्टरीज आर्टरीज के लिए पहले आप इसको पहले आप समझो एंड देन आई एल रीड दिस नाउ यू नो यू इनहेल यू टेक इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ जाएगी आपकी दोनों लंग्स में ना दीज इन लंग्स से जो ऑक्सीजन कहां पर पहुंचती है हार्ट तक अब हार्ट से जाएगी आपकी बॉडी के हर एक सेल तक अब हार्ट से हर एक सेल तक ऑक्सीजन ले जाने का जो काम कौन सी पाइप करती है आर्टरी। ठीक है दोबारा समझो यू इनहेल्ड इन in, आपने ऑक्सीजन लिया आपने इनहेल किया तो आपने ऑक्सीजन ली ऑक्सीजन आपने जब इनहेल करी तो वो कहां जाती है आपकी बॉडी के दोनों लंग्स में अब लंग्स से ऑक्सीजन कहां जाती है हार्ट तक फ्रॉम द हार्ट टी सेल ऑफ उस तक कौन लेके जाएगा ये ऑक्सीजन कौन सी वाली ब्लड वेसल काम करेगी वो काम करती है आर्ट्री दैट मीन ऑक्सीजन रिच ब्लड और वी ऑल्सो से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ले जा रही है ब्लड के अपने सेल्स तक हार्ट से हर बॉडी के सेल तक आर्टरी ठीक है तो

नो वॉल्स आर प्रेजेंट इन द आर्ट्रीज अब क्या है इसमें कि आपकी जो आर्टरीज है उसमें ब्लड फ्लो करता है जिसमें कि बहुत हाई स्पीड और प्रेशर क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है वो काफ़ी हाई स्पीड और प्रेशर से फ्लो करता है इसी वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं क्योंकि अगर ये थिक नहीं होगी तो क्या होगा आपकी जो वॉल्स हैं वो क्या होंगी वो फट जाएंगी ठीक है दर्टरीज नॉर्मली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट बट देर इज एन एक्सेप्शन देर इज वन आर्ट्री कॉल्ड पलमरी विच कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग अब आप इसको याद करो आई एक्सप्लेन इट इन फर्दर क्वेश्चन आर्टरीज नॉर्मली क्या करती हैं क्या बताया मैंने आपको अभी कि आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बट एक एक्सेप्शन है इसमें कि एक आर्टरी है जिसका नाम है पलमरी आर्टरी वो इसका ऑपोजिट काम करती है वो लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स ठीक है एक सिर्फ यही आर्टरी है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके नहीं जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक ओके द नेक्स्ट इज वेन्स अब रेस्पिरेशन हो जाने के बाद बॉडी में क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड अब इसका मतलब क्या हुआ सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है नाउ वी नीड वन मोर पाइप जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से हार्ट तक लेके जाए देन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स और जब हम एक्सहेल करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दे ठीक है तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी सेल्स से हार्ट तक ले जाने का काम कौन सी पाइप कौन सा ब्लड वेसल करती है वो है वेन्स ठीक है दैट मीन्स द्वारा से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो आपकी अब सेल्स में प्रोड्यूस हुआ क्योंकि आपने जब फूड खाया आपने जब फूड से आपको एनर्जी मिली रेस्पिरेशन हुआ ऑक्सीजन तो आपने यूज कर लिया बट अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है सेल्स में जिसको आपकी ज़रूरत नहीं जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है उसको आपको बाहर निकालना है अब क्या होगा कि जो सेल्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले जाएगा हार्ट में हार्ट्स जाएगा लंग्स में और फिर आप एक्जेल करोगे और बॉडी से ये बाहर निकल जाएगा कौन सी पाइप ये काम करती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सेल से हार्ट तक पहुंचाती है वो है हमारी वेन्स नाउ, वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट दोबारा हार्ट पे ले गई वेन्स आर लेस डीप देन आर ट्रीज एंड कैन बी ईजीली सीन एज ग्रीनिश ब्लू ट्यूब और लाइन्स बिलो द स्किन अब ये जो वेन्स होती है दे आर लेस डीप ब्लूश ग्रीन कलर की आप नशे अपनी देख सकते हो अपने हैंड्स पे रिस्ट पे इनकी और ये जो है वेन्स आर थिन वॉल्स एंड ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर थ्रू द वेन्स ठीक है इनकी वॉल्स बहुत पतली होती हैं क्योंकि ब्लड इसमें लो प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है देर आर वॉल्व प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स अब वेन्स में वॉल्व होती हैं आप समझो जैसे जगह जगह पे डोर लगे हुए हैं क्यों लगे हुए हैं ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे सेल से हार्ट तक जाए पीछे की तरफ वापस फ्लो ना कर वापस ना फ्लो करके आ जाए इसी को रोकने के लिए जगह जगह वॉल्व होते हैं ठीक है आप समझो जैसे ऐसे समझो जैसे कि जगह जगह हमने डोर लगा दिए उसका रास्ता रोता कि डायरेक्शन एक ही फ्लो में ब्लड फ्लो करे सिर्फ सेल से हार्ट की तरफ जाए वापस फ्लो करके पीछे की तरफ फ्लो करके नहीं आ जाए नाउ वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बट pulmonary वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम the लंग्स टू the हार्ट ठीक है अब इसमें भी वही एक्सेप्शन आया अभी हमने पढ़ा वेन्स वेन्स व वेस्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके जाती है बट एक इसमें भी एक्सेप्शन है एक ऐसी वेन है पल्मनरी वेन जो क्या करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती है लंग्स से हार्ट तक अब जैसे आप इसको समझते हैं लंग्स से हार्ट तक क्या जा रहा है लंग्स से हार्ट तक क्या जा रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड तभी तो वो उसको आगे हमारी बॉडी के सेल्स तक भेजेगा तो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है पल्मनरी वेन अब वैसे तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमेशा आर्टरी लेके जाती है बट लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी वेन ये आपको याद रखना है ठीक है सेम उसी तरह बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई हार्ट तक वेन्स के थ्रू हार्ट से जाएगी लंग्स तक बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पल्मोनरी कौन सा करेगा ये पल्मोनरी आर्टरी दिस इज दी ओनली एक्सेप्शन अदरवाइज ऑलवेज आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड वेन्स विल ऑलवेज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच Blood. Theke? Next is your capillaries. Capillaries are extremely thin blood vessels. These contain arteries, these connect arteries and veins. The primary function of the capillaries is the exchange of substances like food, oxygen, carbon dioxide, etc., between the blood and the body cells. अब कैपिलरीज क्या होती है कैपिलरीज बहुत ही छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करती हैं इनकी वॉल्स होती हैं बहुत पतली होती हैं और जो मेन आपको बात याद रखनी है कि कैपिलरीज में मटेरियल का एक्सचेंज होता है ठीक है यहाँ ब्लड कहाँ किस किस के बीच में ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में ठीक है अब सम, आप समझो जैसे हार्ट से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कैपिलरीज हैं कैपलेरीज की वॉल्स बहुत थिन होती हैं तो क्या होगा इस वॉल से ऑक्सीजन आ जाएगा बाहर और सेल्स में चला जाएगा अब सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकल कर में चला जाएगा ठीक है सो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच वेन्स लेके जाएंगी हार्ट तक मीन्स कैपिलरीज में जाके आपका एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का और एक चीज और जो इसमें आपको याद रखनी है कि दे कनेक्ट आर्ट्रीज एंड वेन्स और किसके बीच में यह सब होता है बॉडी सेल्स एंड ब्लड के बीच इसका एक स्केमेटिक डायग्राम भी बना होगा आपके एनसीआरटी में जो कि जिसमें लिखा होगा स्कीमैटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन उससे आपको यह कैपिलीज का फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिफरेंसिस बिटवीन आर्ट्रीज एंड वेन्स अब आर्ट्रीज एंड वेन्स का डिफरेंस आपने समझ लिया इसमें आर्ट्रीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड री कार्बन डाइक्साइड रिच ब्लडरी कहाँ से लेके जाती हैं हार्ट से लेके टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड लेके जाती हैं फ्रॉम ऑल सेल्स टू द हार्ट दार्ट आर्टरी आर्ट्रीज में क्या होता है ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर एंड वेन्स में ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर ये भी हमने देखा और आर्ट्रीज में वॉल्व नहीं होती हैं वेन्स में वॉल्व होती हैं किस लिए ताकि टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड आर्ट्रीज एट प्रेजेंट डीप अंडर द स्किन इसको हम नहीं देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लडन दट इज पलमनरी आर्टरी अभी हमने समझा सिमिलरली वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट देर इज एन एक्सेप्शन दैट इज अ पल्मेनरी वेन ठीक है लंग से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेके जाता है हमारे सेल्स तक